राम मंदिर विवाद से जुड़ा एक खास दस्तावेज आजमगढ़ में मिलने का दावा किया जा रहा है। बनकट राजघराने के वारिस अनूप कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक पुराने कागजातों को खंगालते हुए उन्हें ये कागज मिला है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शहंशाह बाबर के दरबार से आदेश हुआ था कि उस इमारत का जीर्णोद्धार कराया जाए जो देवता के अवतार लेने की जगह है, लेकिन बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां निशानी के तौर पर बनवाया था और ये निशानी ही बाबरी मस्जिद है। वो बहुत पुराना कागज है जिसमें साफ साफ फारसी में लिखा हुआ है और उसका उच्चारण भी है हिंदी में और उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, एक ही साथ तीनों है। उसमें साफ साफ लिखा है कि शहंशाह बाबर के दरबार से आदेश हुआ कि हिंदुओं के देवताओं के जन्म का जो स्थान है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, और उस समय अवध प्रांत था और अवध प्रांत में जो बाबर का मीर बाकी सिपा सलार था उसी ने उस वो तोड़वा करके उसी की जगह निशानी के तौर पर इस मस्जिद को बनवाया। उस कागज में जो लिखा उससे साफ स्पष्ट पता लगता है। इस दस्तावेज को अयोध्या में राम मंदिर होने का पुख्ता सबूत बताया जा रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये दस्तावेज कितना सच्चा है इसका परीक्षण कोर्ट या शासन प्रशासन अपने स्तर से कराए, मगर अपने दावे को मजबूती देने के लिए राजघराने से जुड़े लोग दस्तावेज की तारीख का भी हवाला देते हैं। पहले नज़र देखने में ये लगा कि जो बाबर का सलाहकार मीर बाकी था उसको बाबर ने साफ साफ आदेशित किया है कि जो हिंदू के देवता हैं उनके जन्म स्थान का जीर्णोद्धार करा दिया जाए, वो सीधे सीधे स्पष्ट है। और काल गणना के हिसाब से भी देखा जा रहा है तो ये जो है जो हिजरी को सत्र में जब हम घटा रहे हैं तो 1504 ईस्वी की ये घटना है, और इतिहास के हिसाब से ही भी अगर वो उस पर विचार किया जाए, देखा जाए, अवलोकन किया जाए तो उस समय बाबर का काल रहा है। अनूप कुमार श्रीवास्तव ने अब ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और महंत नृत्य गोपाल दास को भेज दिया है। हालांकि ये इस दस्तावेज की प्रमाणिकता का दावा नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि ये कागज ही राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभा दे। राकेश वर्मा, आजमगढ़, जनमन टीवी।